वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बग दिल से स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे एक मिडिल क्लास लड़का लड़की किस तरह स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट ऐसा ले सकते जैसे मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया, और किस तरह पूरे वर्ल्ड को झुका सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। जो नॉलेज आपको चाहिए तो वीज़ा अप्रूवल चाहिए किसी भी कंट्री, जैसे मैं सिंगापुर में मेरा ऑन अराइवल वीज़ा है, कीनिया में ऑन अराइवल वीज़ा, अफ्रीका में, अमेरिका में ऑन अराइवल वीज़ा है, तो ये सारे वीज़ाज मुझे मिलते हैं बिकॉज मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट। आज वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग किस तरह आप लोग स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट ले सकते हैं और नेशनलिटी लेने के लिए आपको कौन से तीन बेसिक स्टेप करने। पर गाइस आपको तो जैसे अपने सारे क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर निछावर कर दिए हैं और खुद अपना पैसा लगाकर जीवन की स्विट्जरलैंड में आए और यहाँ पर पानी की बोतल 400 रुपए की, तो वीडियो को लाइक करना, मेरी इज्जत रखना, कमेंट करना और हो सके तो अपनी फ्री गिव वे एंट्री जो सिंगापुर की चल रही उसमें डाली, जो आदमी कमेंट अच्छा लगेगा उसको मैं फ्री गिव वे दूंगा और वो मेरे से फ्री सीवी भी ले सकते हो। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें। गैरी सर यूके 18 साल से रह रहे हैं, 5 घर यूके बनाए हैं और उन्होंने खुद 61 कंट्रीज देखी हैं। अब वो हर गरीब माँ बाप के बेटे की आंखें बनना चाहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आप स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं। तो पहला स्टेप है जो सबको बेसिक पता है कि अगर आपके स्विट्जरलैंड के आपके मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, जब कोई आपको अडॉप्ट करता है 18 साल से नीचे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली स्विस नेशनलिटी मिल जाती है। जैसे मेरे बच्चे हैं पैदा होते हैं इंडिया हो चाहे यूके हो, तो कल उनको नेशनलिटी ऑटोमेटिक मिल जाए बिकॉज मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, पर हमारे पास वो हमारे पेरेंट्स स्विस नेशनल नहीं है तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड स्टेप है अगर कोई आदमी मैरिज करता है, जैसे किसी के पास स्विस पासपोर्ट है, चाहे वो गे है चाहे वो स्ट्रेट है, दोनों शादी करते हैं आपस में और शादी करने के बाद जब वो 5 साल इकट्ठे रहेंगे तो मतलब शादी को 5 साल, वो शादी को 3 साल होने चाहिए और 5 साल वो लड़का लड़की स्विट्जरलैंड में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो स्विस पासपोर्ट, जिसके मेथड बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ सेंट्रल में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सेंट्रल स्विस में और आपको स्विस पासपोर्ट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज कि आप 5 साल से स्विट्जरलैंड में रह रहे हो। पर मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए, चाहे वो गे मैरिज है चाहे वो स्ट्रेट मैरिज है। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है जो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो थर्ड मेथड है वो है स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा। जो बच्चे यहाँ पर आए, मैंने मोहित की इंटरव्यू ली थी, मोहित को भी यहाँ पर 5 साल हो गए। अगर आप स्टडी वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा को मिलाकर वर्क को मिलाकर 10 साल कंटिन्यूसली रहते हो आप स्विस पासपोर्ट अप्लाई कर, जी हाँ जैसे यूके में 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी एज लॉन्ग एज आपके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 10 साल हो गए, बीए करोगे 3 साल की, मास्टर्स करोगे 2 साल, 5 साल जॉब के मिल गई तो आगे 2 साल, फिर विजिटर वीज़ा मिल गया आगे, ऐसे ऐसे अगर आप 10 साल निकाल लोगे तो आप जो स्विस पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आते हो वर्क वीज़ा पर आते हो, जॉब मिलती है, 5 साल बाद आपको स्टैंप सी मिल जाएगी, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो स्विस पासपोर्ट। पर स्विस पासपोर्ट एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जी हाँ कॉम्प्लिकेटेड है। ये 3 स्टेप्स में बताऊँगा 1 by 1, पर आपको वीडियो के भी दिल को छू रहा है लाइक कीजिए। 5 साल वर्क वीज़ा में रहोगे, स्टैम्प सी पर होगे, आप स्विस पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके 3 स्टेप्स हैं, इनमें 3 स्टेप्स में सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, एक होता है लोकल से अथॉरिटी लेनी जैसे हमारा कोई ज़ूरिक है, एक होता है स्टेट से लेनी अथॉरिटी, एक होता है फेडरल मतलब कि सेंट्रल से लेनी। अगर आप शादी करते हो किसी स्विस से आपको दोनों को स्किप करना होता है, ना आपको लोकल से अथॉरिटी लेनी पड़ती है ना आपको स्टेट से, आप सीधे सेंट्रल से अथॉरिटी लेते हो और आपको स्विस पासपोर्ट मिल जाता है। पर अगर आप स्टडी पर हो वर्क पर हो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा, उसका पासपोर्ट लगेगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड लगेगा, आपका लैंग्वेज टेस्ट लगेगा, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस करेंगे, अगर वो आप इसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं तो वो इसको आगे पास कर देंगे स्टेट के पास, जहां पर आगे जाकर आप स्टेट वाले आपके इंटरव्यू लेंगे पासपोर्ट की। अगर आप उनके पास जाओगे, अगर उनके एप्लीकेशन फॉर्म में आप कुछ नज़र नहीं आया तो वो आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे फेडरल सेंट्रल, जो कि आखिर में डिसीजन लेगा कि क्या आपके पास आपको स्विस नॉलेज है, लैंग्वेज आती है, सिख ज्योग्राफी नॉलेज है, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लीन है कि नहीं है, आपने टैक्स पे किया कि नहीं किया, आपने कहाँ काम किया है, कहाँ रहे हो लास्ट 10 ईयर या 5 साल जिस भी वे से आ रहे हो, वो सब चेक करेंगे। उसके बाद आपको अप्रूवल लेटर दे देंगे, आपने जाकर पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और विद इन 2 डेज आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। पर ये प्रोसेस नियरली 10 to 18 months लगते हैं, 10 से 18 months लगते हैं और इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है एज़ पर गूगल, इसकी स्विस क्रॉन्स 1000 स्विस फ्रैंक है, पर नेट पर तो मुझे 100 स्विस फ्रैंक भी दिख रही थी। आप कॉस्ट इसकी 8000 से लेकर 80000 तक मान सकते हो जब आपको अप्लाई करना है एज ए स्विस पासपोर्ट। तो गाइज यही है, पर इसके लिए आप 7-8 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पर गाइज अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप स्विस पासपोर्ट अप्लाई करो 2 चीज़ ध्यान रखना, एक कोई आपके नाम पर कर्जा डेबिट बैंक का ना हो उसको पे किया हो, सेकेंडली
पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बातें यूके में इतनी फेल होती हैं। इवन कि आप डॉक्टर भी हो, अगर आप में दोनों में से आपको पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपके यहाँ पर आपने लोन लिया गफला किया, आपको कभी भी उस कंट्री की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। मैं फिर हाथ जोड़कर बेनती करूँगा ऑडियंस से, अपने मुंह को कंट्रोल कीजिए, कोई भी साइबर क्राइम मत बनाइए। आप पुलिस, एक बार सर्टिफिकेट आपका नाम चढ़ गया पुलिस पर, आप जिंदगी भर अब मरते दम तक आप बाहर नहीं आ सकते, इसकी गारंटी मिलती है। पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट आपको क्लीन होना चाहिए और हर कंट्री इंडिया या किसी और लेने से पहले वो जरूर चेक करती, और इनके पास ऑनलाइन सिस्टम होता है, आपका नाम टाइप करेंगे और आपके सारा डाटाबेस आपके सामने आ जाएगा। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे, जस्टिफाई करोगे, पर बताना चाहूँगा बहुत ही क्लियरली, स्विट्जरलैंड में जो बेसिक जो सैलरी है वो आप जो मिनिमम आवर्स होते हैं वो एवरेज सैलरी है 3,000-4,000 स्विस फ्रैंक है। इवन कि आप लेबर जॉब भी करते हो, अगर आप थोड़ी स्किल जॉब करोगे तो आप बड़े आराम से 4-5 लाख छाप सकते हो, और यहाँ पर आवर है वो 20 स्विस फ्रैंक है जो नियरली 1600 रुपये के बराबर मिनिमम है। मैक्सिमम लोग 70 स्विस फ्रैंक भी कमाते हैं। तो स्विट्जरलैंड में आपको अगर आना है हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करने के लिए आओ, टूरिज्म का कोर्स करो, केयर टेकर मेडिकल में करो, आईटी में करो, कंस्ट्रक्शन में करो, सिक्योरिटी गार्ड में करो, इंजीनियर्स का करो, इन सब की डिमांड है, टैक्स का करो, बैंकिंग का करो, इन सब की डिमांड है अगर स्विट्जरलैंड में आकर अपने मां-बाप के सपने पूरा करना चाहते हो। ऑन द मीन टाइम गाइस, जाते वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्री एंट्री सिंगापुर में और फ्री सी में जाना जरूर मत भूलेगा, उसके लिए आप छोटा सा कमेंट करना है। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।